जो आज हमारा सेक्शन हुआ ऑडियो का, किस किस को अच्छा लगा है, समझ में आया? यस सर, यस सर। किसी का कोई डाउट? नो सर। हमने एंडलेस चेक करा कि नहीं करा? यस सर। सीपीयू तक गए हम? यस सर। पावर तक गए हम? यस सर। एसी टू डीसी एसी तक गए हम? यस सर। एक एक ने चेक किया ना? यस सर। जंपर मार के? यस सर। कोई डाउट कंफ्यूजन? नो सर। कब सीपीयू पे काम करना है, कब पावर पे काम करना है, कब डीसी टू डीसी एसी पे काम करना है, पता है हमको? यस सर। क्लियर है? यस सर। एक एक कंसेप्ट क्लियर है? और डीएसओ का इस्तेमाल किस किस ने करा? यस सर। सबने करा? यस सर। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डीएसओ मैं खाली सजाने के लिए नहीं लाया हूँ। यस सर। सजाने के लिए नहीं लाया हूँ यहाँ पे। ये सारा का सारा आप चेक करेंगे, खुद चेक करेंगे और हर सेक्शन में चेक करेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। जिस सेक्शन में जिस जगह आपको वोल्टेज फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है वहाँ आप डीएसओ का इस्तेमाल करेंगे। घर जाने के बाद आप ले या ना ले वो एक अलग बात है, पर बाकी आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है? गेट सेट गो, चले। चलो, हमारे साथ है 28 दिसंबर की बैच। क्या क्लास थी आज हमारी? आप सब लाइव है? यस सर। घर वाले देख रहे हैं? यस सर। 11 बज रही है? यस सर। आए कब थे? आज एनर्जी है कि नहीं है? यस सर। एनर्जी? यस सर। फुल? यस सर। मैं बोलूं कि 2 घंटे और पढ़ना है? यस सर। सब कर सकता है यहाँ पे? सब कर सकते हैं? यस सर। वेरी गुड। एक बार सर इनके लिए कैपिंग कर दो। सर आज हमारा ऑडियो सेक्शन था। ठीक है, तो सर जी आज बहुत मजा आया और आपने जो बताया 50 रुपए वाले जादू उसकी तो पूछे मतलब सर जी मजा आ गया कतई। तो और अगर हमारे पास डीएसओ नहीं है तो हम ऑडियो सेक्शन उसके अंदर हेडफोन से भी चेक कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से है वो आपको बता। जी जी है ना। तो ये बताइए मेरे को कि आज आपके देव सर के साथ ऑडियो की क्लास थी, क्या लेवल से पढ़ाया सर ने? सर एकदम मस्त गजब। सर ऐसा लग रहा है छाड़ दें। वोट जो बाकी बचाओ? नहीं सर। सीपीयू जो बाकी बचाओ? नहीं सर, नहीं सर। बात करूं मैं नॉर्मल पीए की? जी सर बिल्कुल। स्मार्ट पीए की? पूरा क्लियर है आपका? जी सर बिल्कुल। पीए भी सभी तरीके के पढ़ाया आपको? यस सर। और स्मार्ट पीए भी सभी तरीके के पढ़ाया? यस सर। तो स्मार्ट पीए में कोई कंफ्यूजन? नो सर। अगर आपके पास स्मार्ट पीए आता है तो आपको करने में कोई दिक्कत? नो सर। और बताइए मेरे को अगर स्मार्ट पीए आता है तो आप डायग्नोस करके क्लियर कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, कोई भी फोन मतलब कि ठीक हुए बिना नहीं जाएगा सर। चलिए ठीक है। और अभी प्रैक्टिकल क्लास में कैसा आपने डायग्नोस करा इसको? सर एंड तक गए सीपीयू की लाइन तक। सीपीयू की लाइन तक गए? पूरा डायग्नोस किया सर। यस पूरा डायग्नोस करा। जी चलिए आपके पीछे एक और स्टूडेंट है, उन्हें माइक दीजिए। जी सर बताइए अपना नाम परिचय बताइए। सर मैं मोहम्मद सलीम कश्मीर से हूँ। आज हमारा ऑडियो सेक्शन था ये सर के साथ। अच्छा। सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये है सर कि मैक्सिमम मैंने हमेशा देखा, चाहे यूट्यूब पे देखा कहीं भी देखा, कॉपी पेस्ट ही चल रहा है। मतलब किसी ने कुछ बताया दूसरे ने वही कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देव सर का वैसा नहीं है बिल्कुल सर, उनकी खुद की मेहनत रहती है और डेली नया मिलता है। अच्छा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा सर। बराबर। जी सर। तो कैसा लगा अभी प्रैक्टिकल क्लास में? आपने क्लास में पढ़ा तो उसका पूरा प्रैक्टिकल करने का आपको समय मिला कि? हाँ सर पूरा, हमारा आधा आधा टाइम थ्योरी का रहता है, आधा टाइम प्रैक्टिकल का रहता है। तो पूरा हमने जो क्लास रख रखी है प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पर नकली बंदों को तो नहीं बिठा रहा? नहीं सर, पूरी टीम एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम मेहनत करती है और एक भी स्टूडेंट नहीं रहता जो 100 में से 100 करके ना निकले। पक्का? पक्का सर। ये सबके व्यायाम से आप बोल रहे हो सर? ये झूठ बोल रहे हैं क्या? नो सर। तो कैसा लगा आज का ऑडियो? अगर अभी ऑडियो से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो? सर सब करेंगे, कोई रिटर्न नहीं जाएगा। पक्का? और वो भी बहुत बहुत हैवी लेवल पे। हैवी लेवल? जी सर। पास कीजिए भाई। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है मोहम्मद फरमान सर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। जी जी सर। तो आज आपकी देव सर के साथ क्लास थी? जी सर, ऑडियो सेक्शन की क्लास थी सर। जी तो थोड़ा सा विस्तृत में चर्चा कीजिए, आपको किस लेवल पर पढ़ाया सर ने और क्या बताया आपको? सर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जहाँ तक भी सप्लाई होती है ऑडियो सेक्शन की, स्पीकर की, लाइन की, वो सब जानकारी दी है। पहले इतना मालूम नहीं था लेकिन अब सब ऑडियो सेक्शन के जितने फॉल्ट होंगे सब हम ट्रेस कर लेंगे आराम से ईजिली। जी नॉर्मल पीए हो, स्मार्ट पीए हो, स्मार्ट पीए हो, नॉर्मल पीए, कोई भी हो, सब ट्रेस कर लेंगे धीरे से। अच्छा। प्रैक्टिकल क्लास में आपने प्रैक्टिकल किस लेवल तक करा? प्रैक्टिकल भी सब पूरा किया इस पे।
पूरी ट्रेसिंग की है, जो जो सर ने उसमें थ्योरी में कराया था वो सब यहाँ पे आके फिर ट्रेस भी किया, सब कर लिया। अच्छा, सीपीयू लेवल तक गए थे आप? जी, सीपीयू लेवल पे। सीपीयू के अंदर आपने बीप ली थी? जी, वो भी चेक किया था, सीरियन सिग्नल जो आता है वो भी सब चेक किया, सीपीयू उतार के। सीपीयू जी सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। चलिए सर, तो मेरा नाम स्टूडेंट है, मेरा नाम सोनन, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज हमारी ऑडियो क्लास की क्लास थी, ऑडियो सेक्शन की, उसमें देव सर ने हमें स्मार्ट पीए और नॉर्मल पीए के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया। उसमें हमको डायग्राम भी बनाया सिखाया, और उसमें दो चीज़ बहुत अच्छी लगी हमको, कि अगर किसी सेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है तो डीपली जाके पढ़ने का, वो आपके पास मान लो एक डायग्राम दूसरे मोबाइल से उठाया तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, किसी मोबाइल का डायग्राम नहीं रहेगा तो भी। मतलब हम अगर किसी मोबाइल का डायग्राम नहीं रहेगा तो अगर उस मैं वो आईसी लगी है तो हम उसके हिसाब से, हाँ, और उसकी डाटा शीट से हम उसको भी बना सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमको प्रैक्टिकल में ये सीखने को मिला कि अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं रहेगा तो भी आप खाली नज़रों से पता कर सकते हैं कि उसमें कैसा सर्किट बनाए, कौन सा कंपोनेंट का क्या काम है। हाँ, कंपोनेंट का काम भी बता सकते हैं, और सर्किट कौन सा और कैसा बनाए, क्या क्या काम, किस किस कंपोनेंट का क्या क्या काम है वो भी बता सकते हैं। आपको सही, ठीक है सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपक है, मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी बैच से हूँ। और सर, यस सर, आज सुबह हमारी 11 बजे सुबह मॉर्निंग में क्लास हुई थी, ऑडियो 11 बजे सर सुबह में, देव सर के साथ। अच्छा। और उन्होंने हमें बहुत मतलब डीपली इस तरीके से बताया, हर सेक्शन को डिवाइड कर करके बताया कि एक नॉर्मल फ्रेशर आदमी जो बिल्कुल लो लेवल का हो, कुछ भी नहीं जानता ना टेक्नोलॉजी के बारे में, वो भी मतलब उसको भी सब पता लग जाएगा, वो भी किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाएगा, किसी भी फ़ोन में कोई भी फ़ोन हो उसके अंदर वो बता पाएगा कि ये ऑडियो सेक्शन है और इस ऑडियो सेक्शन में ये चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती है। तो सर का पढ़ाने का तरीका मैं तो मानता हूँ कि कोई किसी के पास है नहीं, और जो हमारे देव सर है, मैं मतलब गुरु तो मैंने बहुत देखे एज ए टीचर, टीचर भी होते हैं पर वो हमें ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके बच्चे हो अपने, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं हमें। अगर हम कुछ गलती जरा सी भी करते हैं ना, हमको मतलब धमका भी देते हैं जैसा कोई करता नहीं है, क्योंकि वे हमें अपना मानते हैं सर। जैसे हमारे गार्जियन हमें मतलब ट्रीट करते हैं, हम कुछ गलती करते हैं तो हमें वो धमका भी देते हैं सब चीज़, तो हमारे देव सर जो हमें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं, और हमें मतलब उनके पढ़ाने में मैं कह रहा हूँ कि कोई पढ़ा नहीं सकता। उसके बाद हमारी अभी उसकी थी प्रैक्टिकल था हमारा, हमारे MD सर हैं, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे, जो हमारी मतलब कोई भी प्रॉब्लम मतलब समझ नहीं पाते वो हमारी सब सॉर्ट आउट और प्रैक्टिकल 1x1 सब हमें कराया। तो मतलब हम सब चीज़ें कोई भी प्रॉब्लम, और हम उसको एक बार किसी PCB के अंदर हम देख के आएगा, मतलब देखने के बाद ही उसको प्रॉब्लम को समझ जाएगी कहाँ से क्या प्रॉब्लम है सर। अच्छा, मतलब हमें ट्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको DSO का लगाना ये मालूम है? यस सर, DSO के बारे में बताया, फिर DSO से भी अलग एक टेक्नोलॉजी बताई सर ने हमें, जो मतलब DSO के विदाउट ही हम उसको चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को सर। अच्छा। ठीक है ना सर, अगर कोई फॉल्ट, अगर फॉल्ट आपका ऑडियो में और प्रॉब्लम CPU से आती है तो आप वहाँ ढूंढ सकते हो? जी सर बिल्कुल, तरीका है आपके पास? यस सर, फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो आज आपने किया प्रैक्टिकल क्लास? बिल्कुल सर। वहाँ तक गए आप? बिल्कुल सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। इसके ऊपर कुछ है क्या? इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। कुछ हो ही नहीं सकता? नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन। मेरा नाम है प्रकाश, नेपाल से। जी बताइए प्रकाश, नेपाल से हो आप, इस लाइन में बिल्कुल फ्रेशर हो, नेपाल से आए और आज ऑडियो क्लास आपकी कैसी लगी आप? बहुत अच्छी लगी सर। एक एक चीज समझ में आया। एक एक चीज। तो ये बताइए मेरे को कि आपकी देव सर के साथ ऑडियो की क्लास थी जिसमें आपको नॉर्मल PA, स्मार्ट PA, ऑल CPU पे पढ़ाया गया। जी सर। कैसा लगा आपको? एकदम अच्छा लगा सर। हर चीज समझ में आई आपको? समझ में आई। बताइए आगे, बताइए अब आगे बताएं सर। ऑडियो का कोई भी फॉल्ट रहेगा तो वापस नहीं जाएगा, आईसी नहीं रहेगा तो बाईपास भी हो जाएगा, आईसी नहीं रहेगा तो बाईपास भी हो जाएगा, लेकिन वापस नहीं जाएगा। ये बताइए मेरे को कि अगर आपके पास अगर CPU ऑडियो का फॉल्ट है और CPU से दिक्कत आती है तो आप कर सकते हैं आप उसको? हो जाएगा सर। अच्छा, DSO का इस्तेमाल करना आता है आपको? आता है सर। चलिए ठीक है, माइक पास कीजिए। गौरव राजस्थान से। हाँ जी गौरव। यस सर, आज हमारी सर ऑडियो सेक्शन की क्लास थी जिसमें हमें देव सर ने 11 बजे से शुरू हुई थी सुबह, देव सर ने पढ़ाया सर। हाँ जी। यस सर। तो क्या पढ़ाया सर ने क्लास में, थोड़ा सा बताएंगे? सर ने ऑडियो सेक्शन की जितनी भी लाइनें होती हैं, पावर IC से लेके रिंगर IC से लेके CPU तक जितना भी एंडलेस होता है सब पढ़ाया सर। अच्छा, तो
क्या लेवल से समझ में आया आपको, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? सर लेवल तो बहुत बढ़िया था सर। अच्छा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? यस सर, प्रैक्टिकल क्लास में एक एक लाइन चेक करी सर हमने, सीपीयू तक। और उसके बाद किस लेवल तक गए आप? आपने डीएसओ का इस्तेमाल? यस सर, डीएसओ का भी चेक किया। जी, उसके बाद सॉरी व्यूअर्स, एक्चुअल क्या हुआ था, मेरे पास कोई अर्जेंट फोन कॉल आ गया था सर का। जी, उसके बाद डीएसओ भी चलाया सर और सब लाइनें ट्रेस करी सीपीयू तक। ट्रेस करा? यस सर। पावर के अंदर तक गए? पावर तक के अंदर। आईडीआईसी को उठाया? यस सर। आईडीआईसी का पेड पेड चेक करा? यस सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम अनिश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ जी, आज देव सर की क्लास थी और देव सर ने आज रिंगर आईसी के बारे में मुझे पढ़ाया है। हाँ। और एडवांस लेवल में पढ़ाया है, सीपीयू से लेके डीसी टू डीसी आईसी, पीएम आईसी, कहाँ से कौन सा ट्रैक चेक करना है और कहाँ से उसके पैड चेक करने हैं, अगर वो पैड भी अगर निकल जाते हैं तो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर मैं अगर नॉर्मल की अगर आपके हाथ में दे दूँ और बोलूँ कि इसकी कनेक्शन अलग से बना दो, बिल्कुल बना सकते हैं, नॉर्मल की बना सकते हैं और स्मार्ट पीओ की बना सकते हैं। बना सकते हैं? बिल्कुल सर। एबिलिटी है आप में? यस सर है वो एबिलिटी। यस सर, यस। तो एक दिन में इतना सब कुछ नॉलेज कैसे? एक दिन में इतना नॉलेज सर देव सर और एशिया टेलीकॉम की वजह से हुआ है ये पॉसिबल, उसके पहले पॉसिबल नहीं था सर ये। चलिए ठीक है, जी सर, मैं अर्जुन हूँ सर, बड़ोड़ा से सर। हाँ जी सर, आज सुबह 11 बजे हमारी क्लास चालू हुई थी सर देव सर के साथ। हाँ जी। जो 5:30 बजे तक चली सर जी। आज देव सर ने जो है सर हम लोगों को ऑडियो सेक्शन के बारे में सिखाया। हाँ जी। और जो हियरिंग स्पीकर है उनके बारे में सिखाया सर, और इतना डीपली नॉलेज दिया है सर कि कैसा भी फ़ोन होगा मतलब वो रिपेयर हो जाएगा सर। अभी खाली जाने की गुंजाइश है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। देव सर से मतलब जो नॉलेज मिला है सर और यहाँ जो एशिया टेलीकॉम से सर, वो मतलब कहीं और से नहीं मिल सकता है सर। जनरली सर क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट में मतलब जाते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से मतलब सीख के मोबाइल रिपेयरिंग का मतलब दुकान लगा देते हैं सर, लेकिन उन लोगों को वो चीज़ नहीं पता है जैसे जो हियरिंग स्पीकर होता है उसका वोल्टेज कितना आता है और वो कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कब वोल्टेज आता है, कब चेक करना है, जब मतलब वो फ़ोन? हाँ, वो अपनों को बताना नहीं है, पर बाकी ये आपको आइडिया लगा कि कब? हाँ हाँ सर, मुझे पूरा आइडिया हो गया है सर, मतलब बराबर सब चीज़ का। देखिए आपको थोड़ा सा मेरे को ऐसा, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा तुम्हारे कन्वर्सेशंस में गुजराती बोलते हो। हाँ सर, इसी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम हिंदी में। आप अपनी मातृभाषा का जो आपकी मदर लैंग्वेज है वहाँ की, जी सर, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। મતલબ એમાં એવું છે સર કે કઈ રીતે એક્સપ્લેન કરું પાછું, ગુજરાતી ને હિન્દી પાછું મિક્સ થઈ જશે મારું? હા સર, મતલબ ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવા હોય છે જે બીજા ઘણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં શીખીને આવ્યા હોય છે, અને સ્પીકરમાં અને જે આ ટોઇસ છે આપણે, અને જે સરે તેઓ સરે શીખવાડી દે સર, એ મતલબ દુકાન લઈને બેસે છે તો કંઈ ખબર નથી પડતી એમાં, પણ આ એશિયા ટેલિકોમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવું છે કે જે જગ્યાએ આપણને ડીપલી જબરદસ્ત નોલેજ મળે કે એક વખત આપણે જો અહીંયા આગળ કોર્સ કર્યો તો પછી આપણે કોઈને પૂછવાની બી જરૂર નહીં પડે અને એક નંબર કામ થશે મતલબ। नहीं तो थोड़ा हीट वगैरह मार के रिटर्न भी कर देते थे, पर आज की जो नॉलेज मिली, ट्रिक मिली, उससे दोबारा सर रिटर्न नहीं जाएगा कोई, पक्का।
प्रॉमिस। आते जाइए आप प्लीज, बीच में आते जाइए, सारे के सारे आ जाओ। सर मेरा नाम अजीम है और मैं तेलंगाना से। हाँ जी अजीम बताइए। हाँ सर, आज देव सर का क्लास थी ऑडियो सेक्शन की, और उसके बारे में पूरा डीपी नॉलेज सर ने दिया है, और हर एक सेक्शन, उसमें जो भी सब सेक्शन रहते हैं, हर एक सेक्शन का डीपी नॉलेज दिया है। हाँ सर, आज प्रैक्टिकल क्लास थी, और उसमें हमने पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड सीपीयू तक पूरा ट्रैक पैड और कंपोनेंट सब कुछ चेक किया सर, टेस्ट किया। हाँ सर, लास्ट में सब आइडिया गया सर। हाँ सर, और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ सर, कि यहाँ आने से कुछ एक 15-20 दिन पहले एक फ़ोन आया था जिसमें रिंगर के पैड पे GR नहीं आ रहा था, तब मुझे पता नहीं था कि क्या करना है उस पर, तो वो रिटर्न चला गया, तो मुझे आज वो अफसोस हो रहा है कि वो क्यों रिटर्न किया, कि वो बाद में भी आता तो अच्छा रहता था करके, ऐसा जाने के बाद तो और अच्छा रहता। वो सारी चीज़ें आप बीम टेक्नीशियन है, वो सारी चीज़ें मिस करोगे। हाँ, जैसे सक्सेस मिलते जाएंगे। हाँ सर, है ना, वो सारी इजी चीज़ों को हमने अभी तक जीवन में आगे पीछे कर दिया। यही नॉलेज होता है, यही इंस्टीट्यूट का नॉलेज होता है, सही टीचर, सही गुरु, सही इंस्टीट्यूट में पढ़ने का यही रिजल्ट होता है, कि आपको कठिन से कठिन चीज़ें आपको बहुत आसान ईजी हो जाती है। सही है सर। हाँ सर, सर मेरा नाम राहुल देवा है, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ मैं। जी राहुल, तो बताइए आज आपकी आरडीओ की क्लास थी दिवसर के साथ। यस सर। जी, तो बताइए किस लेवल का नॉलेज मिला आपको? सर लेवल के तो मैं बता नहीं सकता कितना हाई लेवल में सिखाया है सर ने, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ऐसा बताएं कि सर कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या लेवल में कराया हमें। और स्टार्ट बाय स्टार्ट जैसे कि स्पीकर का है सारा कुछ जो हमें कराया, तो अगर स्मार्ट भी हो नॉर्मल भी हो तो आप बना सकते हो। बिल्कुल सर, आपके पास दोनों को काम करने का तजुर्बा है। यस सर, आपको कहाँ चेक करना, फ्रीक्वेंसी चेक करना। यस सर, फ्रीक्वेंसी। हाँ, इनपुट कहाँ से आ रही है, आउटपुट कहाँ से आ रही है, कितनी वोल्टेज इन हो रही है, कितनी आउटपुट हो रही है। यस सर, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन। अभी सर स्टूडेंट ने बोला कि देव सर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब वो चीज बहुत अच्छी है सर, वो दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, पढ़ने के हिसाब से स्ट्रिक्ट है, हमें बोलते भी है, किसी और इंस्टीट्यूट में होते उनको आपके पढ़ने से कुछ गरज नहीं था, बराबर वो आपकी क्लास दे देते, आपको नहीं पढ़ना था, नहीं पढ़ो मत पढ़ो, मगर मैं वैसा नहीं हूँ। आप घर वालों को क्या बताओगे, आप तो यहाँ आ गए, सही बात, मेरे इंस्टीट्यूट का बता के आ गए यहाँ पे, सही बात, वो चीज के लिए वो स्ट्रिक्ट होते हैं, बराबर गुस्सा भी होते हैं मगर जेन्युइन है। तो सर का स्ट्रिक्ट होना सही है कि गलत है? सही है सर। सही है, सही है। बोलो, चलिए। सर मैं बिक्कू प्रसाद आसाम से। हाँ जी। सर मैं एशिया टेलीकॉम आने के लिए जो मेरा निर्णय था, तो वो निर्णय मेरा सच मतलब कि अच्छा निर्णय था मेरा, और मेरा सपोर्ट में मेरा मम्मी मेरे साथ है जी। और मैं आज पछता रहा हूँ कि मैं आज से 3-5 साल पहले एशिया टेलीकॉम ज्वाइन क्यों नहीं किया। अभी आपकी मम्मी देख रहे हो तो खुश हो रही होगी कि जी सर, जिस उद्देश्य से घर से निकले हो, इतनी दूर आए हो, मम्मी को छोड़ के आए हो, जी वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर। और यहाँ का जो डिसिप्लिन है सर, सबका बस का बात नहीं है, यहाँ का डिसिप्लिन हजम कर ले उन लोग। बराबर। जी सर, बराबर है, जिसको और नीड है वही हजम कर सकता है। जी सर, जिसको गरज है, जिसको नीड है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जी सर, केवल वही एशिया टेलीकॉम में सर्वाइव कर सकता। जी सर, है जी सर, बस की बात नहीं है सर। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जेल से भी स्ट्रॉन्ग है सर। बराबर। जी सर, और आज हमारा क्लास था ऑडियो सेक्शन का जी। जो कि नॉर्मल पीए और आपका स्मार्ट पीए का, तो आज मतलब ये देखने जाए नज़रिए के हिसाब से बहुत ही हार्ड लेवल का ये कोर्स है, और देव सर ने कोशिश किया जितना इजी हो उतना इजी करके हम लोगों को समझाया गया, जो कि हमारे साथ बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है कि जो कि फ्रेशर है, उन लोग को समझ में मतलब आ जाए, हम लोग को तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था सर, लेकिन उन लोग को भी समझ में एक बार में आ जाना बहुत बड़ा बात है सर। और आज हमारा वो तो थ्योरी क्लास था, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखे, बहुत ईजी लगा सर। और मैं खुशनसीब हूँ कि जो एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट हूँ आज के डेट में, और हमारा मतलब मेरा लाइफ में, मेरा बैकग्राउंड में मेरा पीछे कोई खड़ा नहीं था, आज एशिया टेलीकॉम मेरे साथ है। बिल्कुल, और सर मैं और एक बात कहना चाहूँगा,
जितना भी अनस्किल्ड स्टूडेंट है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कृपया करके थोड़ा सा अपना हिम्मत बढ़ाएं, बढ़ा के एशिया टेलीकॉम के साथ आप जुड़े और अपना बिजनेस करें, उन लोग किसी का नीचे रहने की कोशिश ना करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। मुकेश कुमार कोलकाता से। मुकेश कोलकाता से आए हो, जबलपुर आए हो, काफी लंबे समय से काम भी कर रहे हो आप, तो आज आपके ऑडियो क्लास, ऑडियो का सेट आपने ऐसा नहीं कि बनाई नहीं होंगे, बनाए भी होंगे, चेक भी किए होंगे, हुआ भी होगा, रिटर्न भी करा होगा, आज तुमको कारण मालूम पड़ा कि क्यों रिटर्न हुआ? हाँ सर, मालूम तो पड़ा, क्या हमें तो सिर्फ आईसी चेंज करना ही जानते थे ना, सिर्फ नॉर्मल उठाकर चेंज किए, हुआ तो ठीक है, ना तो फिर उसको रिटर्न देना। एक बार बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा, सर ने किस लेवल से क्लास दी आपको, कहां से उठाया क्लास को, किस लेवल से उठाया, ग्राउंड लेवल से उठाया कि अपर लेवल से? ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल से बहुत ही डीपली सिखाए, वो तो बहुत ही आईसी से लेकर सीपीओ से लेकर पावर आईसी सभी का लाइन सिखाया कि कैसे कहां से लाइन आता है, क्या आना जरूरी है, यही सब सिखाया। और आपने इस क्लास में आके प्रैक्टिस भी किए, जितना ट्रेसिंग था सबको ट्रेसिंग करके, उसको छूटी है? कुछ नहीं छूटी, कोई लाइन छूटी है? कुछ नहीं सर, एक भी आईसी का एक ट्रिक छूटा हुआ है? नहीं सर, सभी को फाइंड कर दिया और उसका मैप भी बना के हम रखे हैं खाता में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन आइए प्लीज। कौन बचे? तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। हाँ, आई एम राजकुमार, मैं बलिया से उत्तर प्रदेश। जी बताइए राजकुमार, कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा रहा सर, आज का मेरा ऑडियो क्लास रहा। बराबर, अगर ऑडियो से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता तो आप बना पाएंगे? जी सर, बना लेंगे। नॉर्मल पी हो या स्मार्ट पी हो? जी बना पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। और कौन बचा है भाई? फरमान आ जाइए इधर। फरमान, हाँ, और कौन बचा है? ठीक है, और कौन बचा है भाई? चलो एनीवन, एक आ जाओ। ठीक है, कमल पीछे से तुम भी आ जाओ। चलो जल्दी आओ। पकड़ो बोला। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, तो बताइए आज आठ के ऑडियो के क्लास के साथ कैसी लगी आपको? ऑडियो क्लास जबरदस्त था सर, पहले तो सिर्फ स्पीकर और रिंगर खराब होने से वही चेंज कर देते थे, बाकी सब दूसरे दुकान पे चला जाता था। अभी जाएगा क्या? अभी नहीं जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा? अभी जो ट्रेसिंग का ट्रिक जो सर पढ़ाए दोपहर को जी, वो बहुत जबरदस्त था और सब टेबल में बना के रखे हैं। हाँ सर, रिंगर आईसी से सीपीयू तक ट्रेसिंग कर सकते हैं सर। और अगर आपने डीएसओ खरीदा तो डीएसओ का इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। सेक्शन में कहाँ डीएसओ का इस्तेमाल करना मालूम है? डीएसओ का चेक किया सर, सबने किया, हमने भी किया। हाँ सर। चलिए ठीक है, माइक पास कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते, मेरा नाम कमल सिंह सर, मथुरा से। मथुरा से बताइए मेरे को कमल, आज क्लास बढ़िया रही, सुबह 11 बजे से क्लास थी तो वो 11:30 हो गए। तो इसी दिन कम 12 घंटे बोलता है तो और 12 से ज्यादा 13 घंटे पढ़ाते सर। 13 घंटे पढ़ाते? हाँ सर, उससे भी ज्यादा पढ़ाते और उससे भी ज्यादा। हाँ सर, तो गलत तो नहीं करता? नहीं सर। अच्छा, सबकी बस की बात है इसी टेलीकॉम में 14 घंटे बैठ लेना? नहीं यार, बस की बात है क्या? नहीं सर, बस जिगर किसी के पास? नहीं सर, किसी के पास ही वो जिगर होता है, जिसके सीने में आग लगी होती है नॉलेज की, वही बैठ सकता है। यस सर, जिसके सीने में आग लगी है नॉलेज की वही बैठ सकता है। यस सर। तो कमल अभी बताओ मेरे को कि आरडीओ से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट आता तो वापिस जाएगा? नहीं जाएगा सर। अब आपको आईसी पे काम करना है, कब सीपीयू पे काम करना है, कब पावर पे काम करना है, ये बताया आपको? यस सर। रिंगर आईसी को कैसे चेंज करना है? यस सर, ये बताया आपको? यस। अगर पेडलाइंस अगर ब्रेक हो जाए तो आप बना सकते हो? यस सर। आपको मालूम है कौन सी लाइन कहाँ से आती है? यस। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।